नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और इस समय कैथल के करनाल रोड बाईपास पर हम खड़े हैं। और आपने हरियाणा में एक कहावत जरूर देखी होगी कि गंडे से गंडीरी मीठी और गुड़ से मीठा लाड़ा। तो आज हम अपना गुड़ भी दिखावेंगे और आपने लाड़ा भी दिखावेंगे। और बात करें गुड़ का हमारे जीवन में क्या महत्व है, गुड़ खाने से हमारा शरीर जो है स्वास्थ्य ठीक रहता है, पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में नहीं पनपती, और गुड़ कौन से वाला खाना चाहिए ये आज हम आपको इस कवरेज में दिखाएंगे। क्योंकि आजकल मिलावटी गुड़ जो है मार्केट में इतना ज़्यादा है और असली और नकली का फ़र्क हम नहीं पहचान सकते, लेकिन आज हम आपको असली गुड़ किस तरीके से तैयार होता है, किस तरीके से बनता है और यहाँ पर कितने दूर दूर से लोग गुड़ लेने के लिए आते हैं, आज हम आपको दिखाएंगे कि इस कोल्हू में आखिर गुड़ कैसे तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ख़ास बात इस कोल्हू की ये है कि यहाँ पर जो गुड़ बनता है उनके लिए जो स्पेशल गन्ने हैं वो यूपी से आते हैं। यूपी और हरियाणा के गन्ने में आखिर क्या विशेषता है, क्या भिन्नता है, वो आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से गन्ने से जो है रस निकाला जा रहा है इस मशीन में, और ये यहाँ से रस निकलता है और इसके अंदर जाता है और एक पाइप के माध्यम से वहाँ पर ये गन्ने का रस निकलता है। और इस समय आप देख सकते हैं कि कोल्हू जो हमें जो हर 10-20 किलोमीटर पर जो आज से 15-20 साल पहले जो देखने को मिलते थे वो कोल्हू आज बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गुड़ तैयार हो रहा है, यहाँ पर चाशनी जो है तैयार हो चुकी है। और गुड़ तो आपने खाया होगा, लेकिन यदि आपको गरम गुड़ नहीं खाया तो मैं आपको चाहूँगा कि जीवन में आप एक बार ज़रूर कोल्हू पर आएँ, इस पर आएँ, और गरम गुड़ का स्वाद ही अलग है। और अभी हम जो कोल्हू के मालिक हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गुड़ तैयार होता है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो ये बड़ी बड़ी भट्टी आप देख रहे हैं यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो गन्ने की जो खोई है, हम इसको खोई कहेंगे, ये पूरी यहाँ पर बिछाई हुई है, ये यहाँ पर सूखेगी और ये सूखी हुई खोई को इस्तेमाल करते हैं नीचे आग के लिए। जी यहाँ पर देखो आग जल रही है इसके अंदर, ये देखो आग इसके अंदर हुई है, ये बहुत बड़ी भट्टी है। आपका नाम क्या है जी? सेठपाल जी। किस तरीके से आप आग जलाते हो? बस शुरू में थोड़ी खोई के अंदर फिर आग जलाते। अच्छा, पहले आप आग लगा के इसके अंदर डालते हो? हाँ। तो फिर आप इसके अंदर ये सारी खोई डालते रहते हो? डालते रहते हैं। कितने सालों से ये काम कर रहे हो आप? काफी साल हो गए। यूपी से आप? यूपी सहारनपुर। भाई पूरे का पूरा जो स्टाफ है जो गुड़ बनाने के लिए है वो सारा का सारा स्टाफ यूपी से है। देखते हैं कि गुड़ यहाँ पर तैयार हो रहा है और अभी हम बातचीत करना चाहेंगे कि सर आपका नाम क्या है? सुरेंद्र जी। कितने सालों से आप यहाँ पर गुड़ बना रहे हो? 5 साल हो गए जी। 5 साल हो गए। आप कितने दूर दूर से आपके कस्टमर हैं? काफ़ी दूर तक हैं, करनाल तक, कैथल, करनाल, अरिंगजी, रोहतक। अच्छा, चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ तक भी यहाँ से आते हैं। अच्छा ये बताओ कि मैंने सुना कि बड़े बड़े अधिकारी, वकील, डॉक्टर भी यहाँ से गुड़ लेकर के जाते हैं। जाते हैं जी, जाते हैं। हाँ जी। तो किस तरीके से तैयार होता है वहाँ पे ये रस आता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जूस। अच्छा जी, जूस। तो इसको ये इसको क्या बोलते हैं, भट्टी है जो? इसे भट्टी बोल रहे हैं जी। भट्टी जी। नहीं, उसमें ये जैसे छान है, कढ़ाई। अच्छा जी, कढ़ाई है जी। उसमें आप वो भी डालते हो कुछ भाई मैल सफाई के लिए? इसके अंदर क्या डालते हो? इनमें डालते हैं सुकड़ाई, देसी भिंडी। देसी भिंडी जी, मतलब हमारे यहाँ पर उसको भिंडी बोलते हैं, वैसे सुकलाई बोलते हैं यूपी में। बोल रहे हैं जी। अच्छा जी, तो हरियाणा का गन्ना और यूपी के गन्ने में क्या विभिन्नताएं हैं? यूपी के गन्ने में खारापन नहीं है गुड़ में जी। अच्छा। यहाँ का गन्ना खारापन है जी। अच्छा, आप गन्ना देख सकते हैं हमारा जी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्म गुड़ की कहते हैं कि भाई अलग ही स्वाद है। जी जी जी। तो और क्यों, और क्या कुछ कहना चाहोगे दर्शकों को कि भाई जो केमिकल वाला गुड़ है और जो ये वाला गुड़ है जो बिना केमिकल का, उसमें स्वाद में क्या कुछ टेस्ट रहता है उसका? देखो जी, इसमें कोई अंत मसाला है, अन कोई मिलावट है, सिंपल गन्ने के जूस तैयार है। अच्छा, अगर हमको पहचानना हो भाई ये मिलावटी और ये बिना मिलावटी है तो स्वाद कैसा होगा? आप चेक करवा सकते हो कहीं भी। नहीं, जैसे मार्केट में खाएं जी, हमारे सामने गुड़ रख दिया जी, कि भाई
टेस्ट करो कि इसमें से बताओ भाई कौन सा गुड़ असली है, तो हम उसको कैसे पहचाने? वो जिस टाइम आप गुड़ खाओगे तो यहाँ पे जलन करेगा काल जगह। अच्छा, तो ये जलन नहीं करेगा। अच्छा, यानी कि असली वाला जलन नहीं करेगा। जलन नहीं करेगा, असली वाला जलन नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गुड़ जो है तैयार होता है, और ये पूरी प्रक्रिया है। यहाँ पर रस निकलता है, फिर इसको इसके अंदर सुकलोई डाली जाती है, जिसमें देसी मिट्टी है, यहाँ सफाई होती है। अच्छा जी, यहाँ पे सफाई होती है, सुकलोई डाली जाती है। हाँ जी हाँ। फिर सुकलोई से जो गंध है वो ऊपर आ जाता है, फिर झाड़ने के द्वारा छान के इसमें तैयार किया जाता है, अलग से निकाल दिया जाता है ना। अलग से निकल जा जी। क्या रेट मिलता है? 40 रुपए किलो जी। 40 रुपए किलो, 40। शक्कर 50 रुपए किलो। शक्कर 50 रुपए किलो। तो भाई यदि आपको यहाँ पर आना है तो करनाल रोड बाईपास पर ये कोल्लू आपको साइड में दिखेगा, यहाँ पे आप फ्री में जूस पी सकते हैं। खाओ पियो, कोई पैसा नहीं है। अच्छा भाई, ये उरे मेरे ख्याल खेत में। हाँ, तो जद भी गुड़ खा का जा रहा है। अच्छा, भाई हां गोले लिए छील कर फिर गुड़ खाया उरा का। और भाई लाया लेन। अच्छा ले भाई, उरा फ्री में खास को, फ्री में पीस को। दाता ने बहुत देर किया, बहुत देर रखा जी। भगवान देने वाला है जी, परमात्मा देने वाला है। तो भाई इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ये पूरी गुड़ की प्रक्रिया थी, और आप अच्छा खाओगे तो अच्छा आप रहोगे। स्वास्थ्य के लिए अच्छा गुड़ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, वैसे भी खा लेना चाहिए मेरे ख्याल से स्वास्थ्य के लिए, है ना। गुड़ से क्या क्या फ़ायदे होते हैं आपकी नज़रों में? भाई गुड़ से तो बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि भाई पेट में साफ हो जा, तेजाब नहीं बनता, गैस नहीं बनता, और भी थोड़ा रक्त संचार भी सही रहे भाई इससे, है ना। एक शुगर फ्री भी तो है, बिना मसाले का शुगर फ्री भी है। तो आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करना, और बताना कि भाई ये वाली कवरेज आपको हमारी कैसी लगी।